बिकॉज हमारी इंडस्ट्री बोलने को वैसे बहुत बड़ी है बट इट्स अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री. उन्हें कभी पहचान में नहीं आता कि मैं सेम लड़की हूँ. लव्स टू डांस एंड शी इज मैडली इन लव विद हर. हाई आई एम चांदनी, यू आर वॉचिंग मी ऑन मायापुरी. वेलकम चांदनी ऑन मायापुरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. जो ग्रोथ हमने आपकी टेलीविजन पर देखी है, मैंने कंग्रेचुलेशंस फॉर द शो स्टारप्लस, वन ऑफ द लीडिंग चैनल. किस तरह से अप्रोच हुआ, किस तरह से कास्टिंग हुई, वो जानना चाहेंगे अर्शी के लिए. तो मुझे एक कॉल आया था अर्शी के लिए, और मेरे मैनेजर जो मेरा काम देखते हैं उन्होंने अप्रोच किया था. मैंने कैरेक्टर के बारे में सुना, पूरी स्टोरी सुनी, मुझे पसंद आया एंड आई सेड यस टू इट. ग्रेट. क्या मतलब ऐसे लुक में, आई थिंक हमने आपको नहीं देखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द लुक? आई थिंक मैंने हर शो में बहुत ही मतलब आप मानेंगे नहीं कई, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री बोलने को वैसे बहुत बड़ी है बट इट्स अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री. यू कीप मीटिंग सेम पीपल. तो जो मेरे फर्स्ट शो में लोग थे और जो सेकंड शो में थे और सेकंड शो में और जो भी कॉमन लोग होते हैं उन्हें कभी पहचान में नहीं आता कि मैं सेम लड़की हूँ. आई डोंट नो इतना क्या डिफरेंस आ जाता है कि आई स्वेयर मतलब द डबिंग गाय वाज सेम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड शो. जिस दिन वो मेरे घर सेकंड शो में डबिंग करने आया तो उसने घर देखा, बोलता आप चांदनी हो, और वो मेरे साथ इतने डेढ़ डेढ़ साल से काम कर रहा था उसे मैं पहचान ही नहीं गई. तो या टॉकिंग अबाउट द लुक, या इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट शो, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट शो. And I'm happy about it. And you're looking very pretty, beautiful. Thank you so much. Well, किरदार को लेकर जानना चाहेंगे, अर्शी को लेकर जानना चाहेंगे. What do you want to say about her? किस तरह से equations है other character अनिरुद्ध हो झनक हो? तो अर्शी मुखर्जी जो है वो कोलकाता की लड़की है. मॉम की साइड से वो कश्मीरी है और डांस की तरफ उसका बहुत ज़्यादा लगाव है. शी इज़ अ सेलेब डांसर ऑफ कोलकाता लाइक हर मॉम. एंड आज की लड़की है, शी इज़ वेरी मॉडर्न एंड शी लव्स टू डांस एंड शी इज़ मैडली इन लव विद हर वुड बी हस्बैंड अनिरुद्ध. और अनिरुद्ध जो है वो इज़ अ वेरी गुड बॉय आई वुड से. और जैसा हर माँ को बेटा चाहिए होता है या हर लड़की को पति चाहिए होता है, अनिरुद्ध इज़ दैट गाय. जनक इज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग कैरेक्टर. वो बहुत ही मासूम सी कश्मीर की कली है जिसने बाहर कभी कदम नहीं रखा है अपने शहर से. तो शी इज़ फुल ऑफ इनोसेंस. ग्रेट. वेल, किस तरह से और भी एंटरटेनमेंट जो है ऑडियंस के साथ होने वाला है, वेल वो तो देख ही जाएंगे एपिसोड में, लेकिन ऑफ स्क्रीन कैसा बॉन्ड है हिबा हो, कृशाल हो, क्या कहना चाहेंगी चांदनी? बहुत अच्छा बॉन्डिंग है यार. ऑनेस्टली मेरा हर सेट पे ही अच्छा ही बॉन्ड होता है सबसे. आई मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. यहाँ भी हिबा से मैं बहुत बात करती हूँ, हिबा के रूम में जाती हूँ, वो मेरे रूम में चिल करने आती है. लंच ब्रेक में हम लोग सब साथ में ही खाना खाते हैं, बहुत मस्ती होती है और सब एक दूसरे की लेग पुल भी बहुत ज़्यादा करते हैं. सो या इट्स फाइन. व्हाट डू यू से टू योर फैंस? आई थिंक इतने अलग अलग किरदारों में उन्होंने आपको देखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो रिस्पॉन्स भी मिल रहा होगा, क्या कहना चाहेंगी? मेरे हर कैरेक्टर को बहुत ही प्यार मिला है और मैं चाहती हूँ कि अर्शी मुखर्जी को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले. मैं जो कुछ भी हूँ अपने फैंस की वजह से हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ. आप अपना प्यार ब्लेसिंग्स प्लीज़ बनाए रखिए एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी विद मी. थैंक यू सो मच.